गुजरात के साबरकांठा में प्रधानमंत्री की हुंकार, कहा कांग्रेस देश को बांटना चाहती है। वोट बैंक की वजह से कांग्रेस ने नहीं कराया राम मंदिर का निर्माण। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। पीएम मोदी ने आणंद की रैली में कहा कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान का हुआ होता था, लेकिन आज पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है। यूपी के बरेली में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा पहले यूपी में बनते थे अवैध हथियार, बीजेपी की सरकार में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर। कर्नाटक के शिमोगा में राहुल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी झूठी गारंटी देती है, सिर्फ अरबपतियों का कराती है फायदा, महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती बीजेपी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन, ओडिशा की संबलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में किया रोड शो, कहा एबीपी न्यूज से इस बार ओडिशा की जनता मोदी जी के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव रूडी ने सारण से किया नॉमिनेशन, रोड शो भी किया, बीजेपी ने एक बार फिर रूडी पर लगाया है दांव। महाराष्ट्र की कल्याण सीट से शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ किया नामांकन, नामांकन से पहले श्रीकांत शिंदे ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से भरा पर्चा, नामांकन के दौरान मौजूद थे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। बिहार में हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ने नामांकन से पहले रोड शो किया, चिराग के साथ उनकी मां रीना पासवान रही मौजूद। दिल्ली के बाद गुजरात के भावनगर में सुनीता केजरीवाल का रोड शो, सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में चल रही तानाशाही इसे मिलकर हटाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में किया रोड शो, बीजेपी ने मांडविया पर पोरबंदर में लगाया है दांव। जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने किया नामांकन, उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। बिहार के छपरा में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, कहा देश का माहौल बीजेपी के पक्ष में, एनडीए 400 का आंकड़ा करेगी पार। बिहार के अररिया में जेपी नड्डा की रैली, विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। एसपी के गढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में सीएम योगी ने यूपी के मैनपुरी में किया रोड शो, मैनपुरी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस, आरक्षण को खत्म करने की इनकी मंशा। झारखंड में बीजेपी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार, रांची सीट से चुनाव लड़ रहे संजय सेठ के लिए मांगे वोट। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक ने विधानसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा, कांता बांजी विधानसभा सीट से किया नामांकन। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने प्रचार में झोंकी ताकत, विदिशा के गांव गांव जाकर कर रहे हैं प्रचार, वोट मांगने के दौरान कई बार भावुक भी हो जा रहे हैं शिवराज। चुनाव प्रचार में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सुपौल में एनडीए कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बिहार की जनता बीजेपी को सिखा रही सबक, बिहार में एनडीए का होगा सूपड़ा साफ। कैसरगंज सीट से कटा ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर, ब्रिजभूषण के बेटे करण सिंह को मिल सकता है मौका। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी को दो फेज के चुनाव में हार दिख रही, इसीलिए कर रहे हिंदू मुसलमान। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी उज्ज्वल निकम ने एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे से की मुलाकात, बीजेपी नेता आशीष शेलार भी रहे मौजूद। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, कहा चुनाव के 11 दिनों के बाद डेटा आया सामने, वोट के डेटा में देरी क्यों, बताए चुनाव आयोग। लखनऊ में टिकट कटने के बाद एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठे एसपी के नेता भीम निषाद, अपने समर्थकों के साथ मिलकर पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने रैली के दौरान खोया आपा, अपने ही कार्यकर्ता पर मंच पर जड़ दिया थप्पड़। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाला, आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर नियमों के विरुद्ध नियुक्ति का आरोप। अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो, एक्शन में आई एसटीएफ, वीडियो अपलोड करने वाला नोएडा से अरेस्ट। यूपी के उन्नाव में गैंगस्टर मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी। मौसम विभाग ने जताई मई महीने में हीटवेव चलने की आशंका, गुजरात दक्षिण राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश में 8 से 11 मई के बीच चल सकती है लू। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव पर जारी की है एडवाइजरी, राज्य के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी,
तेलंगाना में इन दिनों अधिकतम 44 डिग्री है तापमान।